अच्छा जो है यहाँ पे जो है एटमॉस्फेयर है, चारों ओर पेड़ पौधे और सबका हिसाब होगा, सबका, बाप का, दादा का, भाई का। तो इतना अच्छा मौसम हो रहा है बारिश वाला। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप भी मेरी तरह अच्छे होंगे। तो अभी मस्त सुहाना एकदम बारिश वाला मौसम हो रहा है। देखिए कल रात यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी, काफ़ी टाइम बाद थोड़ा मौसम अच्छा हुआ है, गर्मी कम हुई है और लगता है अब बारिश का मौसम आने वाला है, क्योंकि जून लग चुका है। जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने शायद बारिश वाले होने वाले हैं। तो अच्छा है, क्योंकि हम तो गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, थोड़ी गर्मी से राहत मिल रही है आज। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप भी मेरी तरह अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ आपका अपनी नई वीडियो में, नए ब्लॉग में। तो हाँ जी भैया जी, बारिश स्टार्ट हो चुकी है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि बारिश हो रही है। अभी मौसम ठंडा रहेगा और बारिश वाला मौसम किसको नहीं पसंद, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है बारिश वाला मौसम। तो चलो, गर्मी से राहत तो मिलेगी। तो अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं और यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो हरिद्वार का मौसम ही कुछ ऐसा है कि बारिश तो सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ बारिश हो, क्योंकि इतनी गर्मी होती है, धकापेल गर्मी होती है यहाँ पे। कल मौसम 40 से ऊपर ही था तो अभी मौसम 32 का है तो अच्छा है। यहाँ पे एक पक्षी फंसी हुई है, मैं आगे आराम से उड़ा दे ना। तो मैंने जो पेड़ लगाया था, पौधा लगाया था एक फूल का, ये मुरझा चुका है, पता नहीं क्यों। बाद बताई ये लग रहे हैं अभी, ये भी लग रहा है चांदनी के, इसके 2 फूल आ रहे हैं अभी। तो ये भी ठीक लग रहा है। तो मैंने थोड़ा सा डेकोरेट किया था इसको। तो भाई लोगों, आप सीधे चलते हैं नीचे, नाश्ता करते हैं, तैयार हो जाते हैं कंपनी के लिए। मिलते हैं आपको शाम को और बने रहे मेरे ब्लॉग में, मेरे वीडियो में। तो few moments later. भैया जी, हम पहुंच चुके हैं कंपनी और मिलते हैं आपको छुट्टी के बाद। तो बने रहे हमारे ब्लॉग में, हमारी वीडियो में, धन्यवाद। 6.5 hours later। तो मैंने कितना मस्त सोचा था कि बारिश रहेगी, दिन भर ठंडा ठंडा रहेगा, पर नहीं, बारिश ने हमारा फिर से बेवकूफ बनाया और बारिश हुई नहीं। तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है अभी फिलहाल, कल से तो ठंडा है आज, पर बारिश होनी चाहिए थी वैसे। अरे वाह लवंडे, अरे वाह। तो ये ठेकेदार साहब आ चुके हैं और ठेकेदार साहब सब बढ़िया।
सुबह एक बार ऐसा लग रहा था कि रेगिस्तान में पानी मिलता है, उसी तरह बारिश लग रही थी कि यार काफ़ी टाइम बाद बारिश हो रही है, तो बारिश हुई नहीं। अब थोड़ा ये है कि अजीब सा लग रहा है। तो हम कंपनी से आ चुके हैं रूम पे, तो मौसम भी देखो सुहाना हो रहा है, अभी हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो आज थोड़ा मौसम साफ भी लग रहा है एकदम क्लियर सा, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी, उससे क्या है काफ़ी धुंध हट चुकी है इधर की, और आसमान भी पूरा नीला दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। बाद बका हमारा कैमरा भी अच्छा है। बजरंगबली हमारे ईस्ट हैं, बजरंगबली तो बजरंगबली का अर्थ होता है वज्र प्लस अंग प्लस बलि, जिसका शरीर वज्र जैसा हो, सख्त एकदम कठोर, ठीक। और बजरंगबली का नाम है हनुमान, हनुमान का नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वो एक बार सूर्य को खाने निकल गए थे बचपन में, तो इंद्रदेव ने उनके मुंह पे वज्र से प्रहार किया था, उनका मुंह हल्का सा टेढ़ा हो गया था, इस चक्कर से उनका नाम हनुमान रख दिया गया। वैसे बेसिकली तो हाँ जी, सब लोग बद्रीनाथ केदारनाथ बड़े बड़े धामों पे घूमने जाते हैं, तो कोई टाइम निकाल के इन मंदिरों में भी घूम लो जो गांव के तरफ बने होते हैं। अब इन मंदिरों में जाना कोई उतना पसंद नहीं करता, क्योंकि सब लोग अपनी लाइफ में क्या है बिजी है, तो कभी टाइम निकाल के इन मंदिरों में भी घूम लिया करो, इन मंदिरों को भी टाइम दो, इन मंदिरों की तरफ भी ध्यान दीजिए। यह मंदिर भी अब ठप पड़ने वाले हैं, क्योंकि लोग क्या है बाहर की तरफ ज़्यादा प्लान कर रहे हैं, लोग बड़े बड़े मंदिरों में बद्रीनाथ केदारनाथ चार धाम घूम रहे हैं और अपने इलाकों के मंदिरों में नहीं जाते हैं। तो आप इन मंदिरों को भी थोड़ा महत्व दीजिए और कभी टाइम निकाल के इन मंदिरों में भी घूमने आइए। तो हम यहाँ से गुजर रहे थे शाम के टाइम, थोड़ा यहाँ पर आके बैठ गए, शांति मिलती है ऐसी जगह पर बैठ के। ये हमारे जो फ्लैट है उससे थोड़ी दूर था मंदिर, हम अपनी छत पे चढ़े हुए थे शाम के टाइम, तो हमने देखा एक दूर मंदिर दिखाई दे रहा था छोटा सा, तो हमें अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे जो है एटमॉस्फेयर है, चारों ओर पेड़ पौधे और एक छोटा सा मंदिर पीछे शिव जी का, और साइड में एक गुग्गा जारवीर जी का मंदिर है, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे मूर्ति दिखाई दे रही होगी आपको, और उसके पीछे भी एक देवी का मंदिर है शायद। हाँ, ऐसी जगह पे आना चाहिए, मन को बहुत शांति मिलती है, क्योंकि नेगेटिविटी आजकल काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है, तो इन चीज़ों में अगर अपना मन लगाए रखें तो आप काफ़ी हद तक पॉजिटिव रह सकते हैं, और ये चीज़ें आपकी लाइफ में भी काफ़ी हेल्प करती हैं। आपको दिन भर की टेंशन या और भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती हैं आजकल, और हमारे सेक्टर में तो प्राइवेट सेक्टर में तो दुनिया भर की टेंशन है, टेंशन ही टेंशन है, डेली उठो डेली कंपनी में भाग दौड़ और फिर शाम को सो जाओ, तो इन चीज़ों के बीच में अगर हम मंदिर वगैरह में जाएं तो काफ़ी अच्छा है,
पॉजिटिव एनर्जी एक यहाँ से मिलती है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और भाई आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मेरा ये कहना है कि जैसे बहुत सारे जितने भी लोग हैं सिडकुल में क्या कोई भी प्राइवेट सेक्टर में है, तो सब जगह क्या है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत मारामारी है काम की, तो बहुत ज़्यादा। तो जो बॉस होता है वो क्या करता है, अपना काम लेने के लिए परेशान करता है अपने वर्कर। किसी बॉस का ऐसे नाम बताना चाहेंगे? नहीं, फिलहाल तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जब ये कंपनी छोड़ेगा तब जरूर लेगा। अब तो क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर यही है, काम लिया जाता है लोगों से गाली दे के, बुरी बुरी भाषा में, मतलब समझ सकते हो अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में है तो साथ ही नहीं होता, हम भी किसी को गाली देके बात करते हैं तो हमसे भी, तो जब आप किसी को गाली दोगे तो आपको भी गाली मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। क्या बोले भैया जी, है प्राइवेट सेक्टर में ऐसी है, अपना काम निकालने के लिए क्या है, मारा मारी है बहुत ज़्यादा। तो शाम के टाइम पे पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दूर भगाने के लिए जब आया ब्रो। तो थोड़ा यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ आपको, नज़ारा कुछ इस तरह है। सामने एक छोटा सा प्यारा सा जंगल दिख जाता है, इधर नवोदय नगर और इधर शिव जी का मंदिर, और यहाँ पर एक इनके ईस्ट है, नाम तो मुझे भी नहीं उतना पता। और यहाँ पर एक छोटा सा पीपल का पेड़, बिल्कुल एकदम गांव का नज़ारा है। हेलो, तो हाँ जी भाई जी, हम निकलते हैं रूम।